नमस्कार, आपका हमारे चैनल दिलेर पूर्वांचल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में संत कबीर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव के बारे में आप सभी को बताएंगे। खलीलाबाद ब्लॉक क्षेत्र के कामा खास गांव के रहने वाले हैं बलिराम यादव। बलराम यादव सामान्य परिवार से आते हैं। इनके पिता राम दौड़ यादव वेस्ट बंगाल में पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारी थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। वहीं इनकी माता का नाम रंगो देवी है, वह गृहिणी हैं। पत्नी सुमन देवी भी गृहिणी हैं। वहीं इसके अलावा बलिराम यादव के तीन बेटे हैं। बलिराम यादव ने खलीलाबाद शहर के जेपीएस इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। बलराम यादव व्यवसाय क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करते हैं और संत कबीर नगर जिले में उनका बालू का ठेका चलता है। वहीं बलराम यादव के राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव का राजनीतिक क्षेत्र में पहले कोई हिस्सेदारी नहीं था। पहली बार वह जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव जीतने के बाद बलिराम यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको संत कबीर नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज किया और संत कबीर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले में बलिराम यादव का बड़ा लोकप्रियता माना जाता है और वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिलेर पूर्वांचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।